गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PNMRC ई लर्निंग क्लासेस। सो स्टूडेंट, इन कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 7, दैट इज वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो विद द टॉपिक क्लाइमेट, पेज नंबर 71। मेटरोलॉजिकल रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। तो जो मेटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो रिकॉर्ड करता है वेदर रोज का रोज। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर पास्ट सेवरल डेकेड्स। और जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्व करके बहुत सालों तक, डेकेड्स तक रखा जाता है। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट दैट एट अ प्लेस। इससे हमें ये पता चलता है कि उस प्लेस के ऊपर वेदर किस तरह से रहा था, अब किस तरह का है और आगे आने वाले सालों में किस तरह का रहेगा। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो जो एवरेज पैटर्न है, जो 25 साल से जैसा वेदर उस जगह का रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि उस प्लेस का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम ये देखते हैं कि 25 साल से किसी एक प्लेस का, सपोज करो हम मान लें गांधीधाम का, तो वो जो टेम्परेचर है बहुत हाई रहता है ज़्यादातर समय, तो हम ये मानेंगे कि गांधीधाम का जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर है। देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट, तो वो जो क्लाइमेट है गांधीधाम का वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है। If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of that place is hot and wet. इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट जो है वो बहुत गर्म रहता है, साथ में बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम ये मानेंगे कि उस जगह का जो है, उस जगह का जो क्लाइमेट है वो हॉट भी है और साथ में वेट भी है। In table 7.2 and 7.3, we have given the climatic condition at two places in India. The mean temperature for a given month is found in two steps. First, we find the average of the temperature recorded during the month. Second, we calculate the average of such average temperature over many years. अब देखिए टेबल दे रखी है 7.2 एंड 7.3। 7.2 के अंदर टेम्परेचर दे रखा है आपका श्रीनगर, दैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और टेबल 7.3 में तिरुवनंतपुरम का, जो कि केरला के अंदर है, उसका क्लाइमेट दे रखा है। जनवरी में, फरवरी में क्या उसका मिनिमम टेम्परेचर रहा या क्या मैक्सिमम टेम्परेचर रहा ये दे रखा है। साथ में वहाँ पर रेनफॉल कितनी हुई ये भी दे रखा है। हर मंथ के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है, साथ में जो है रेनफॉल, टोटल मीन रेनफॉल भी उसमें दे रखी है। तो आप इसके अंदर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ जो पर्टिकुलर प्लेस है उसका टेम्परेचर मिनिमम कौन से मंथ में सबसे कम रहा, कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा रहा और वहाँ की जो एवरेज रेनफॉल है वो कितनी रही होगी। That gives the mean temperature. The two places are Srinagar in Jammu and Kashmir and Thiruvananthapuram in Kerala. So by looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. तो आप ये टेबल 7.2 और 7.3 देखकर हम ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहा होगा इन दो सिटीज़ के बीच में। We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir. हमें ये भी पता चल रहा है कि जो Kerala है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म भी है और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, किसके comparison में, Jammu and Kashmir के comparison में, which has a moderately hot and wet climate and for a part of the year. और Jammu and Kashmir का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉडरेट है, ना ना ज़्यादा बहुत ठंडा ना ज़्यादा गर्म है, मॉडरेट टेम्परेचर है ज़्यादातर साल के ज़्यादातर महीनों में। सिमिलरली डेटा ऑफ द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान, अगर हम राजस्थान की बात करें जो वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है, तो हमें पता है कि वहाँ पर ज़्यादातर कैसा है, डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म, दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म और रात को ठंडा हो जाता है। विल शो द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स,
द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो. और जो विंटर का सीज़न तब आता है राजस्थान के अंदर, जो कुछ ही महीनों का होता है, उस समय उनका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और रेनफॉल भी बहुत ही ज़्यादा कम इस रीजन में होती है. दिस इज़ अ टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट. तो हम ऐसे क्लाइमेट को क्या बोलेंगे, टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट. इट इज़ हॉट एंड ड्राई, सो वी कैन से दैट क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ड्राई. द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट. और ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट साइड में ज़्यादातर जो क्लाइमेट होता है इंडिया के अंदर, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा वेट है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन. क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को उसी के अनुसार बना लेते हैं, उसे बोलते हैं क्लाइमेट एडेप्टेशन. क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. मेजर इफेक्ट होता है क्लाइमेट का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर. एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ कंडीशन इन विच दे लिव. एनिमल्स अपनी बॉडी को उसी तरह से ढाल लेते हैं जिस कंडीशन में, जिस क्लाइमेट में वो रह रहे होते हैं. एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट. और वो एनिमल्स जो बहुत ही ज़्यादा ठंड में रह रहे हों, या वो एनिमल्स जो बहुत गर्मी में रह रहे हों, उनकी बॉडी बिल्कुल उसी की तरह से अडेप्ट, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेती है. रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक एंड डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन. फीचर्स एंड हैबिट्स that helps animal to adapt to their surrounding are the result of the process of evolution. जिसे को बोलते हैं evolution, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि animals ने अपने आप को उसी तरह से ढाल लिया, रहने की जगह भी, खाने पीने की का उनका तरीका है ना, वो सब उसके अकॉर्डिंग हो जाता है जैसा कि उनका क्लाइमेट होता है. इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल. चैप्टर 9 में आप ये भी पढ़ेंगे कि इफेक्ट एनिमल्स पर ही नहीं, उसका क्लाइमेट का इफेक्ट सॉइल पर भी पड़ता है. तो सॉइल भी अपने आप को वैसा ही अडेप्ट कर लेती है जैसा कि क्लाइमेट होता है. हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली. पर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली. इन क्लास 6 यू हैव रेड अबाउट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट्स. An example of adaptation of animals to climatic conditions, we discuss only animals living on polar region and tropical rainforest. तो इस चैप्टर में हम उन्हीं एनिमल्स के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे जो एनिमल पोलर रीजन में रह रहे होंगे या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह रहे होंगे. As a name suggests, the polar region are situated near the poles. It means North Pole and South Pole. जैसे कि नेम से आपको पता चल रहा है कि पोलर रीजन मतलब एरिया टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड एरिया टूवर्ड्स द साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बात करेंगे हम. सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग्स टू द पोलर रीजन आर, जो कंट्रीज पोलर रीजन में सिचुएटेड हैं उनके नाम हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन USA एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. ये सारे जो रीजन हैं ये पोलर रीजन हैं, टूवर्ड्स द पोल हैं. Example of some countries where the tropical rainforest found are India. जहाँ पर tropical rainforest में जो countries situated हैं उसमें आता है India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. So student, we will study about these tropical regions and polar region in our next video. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.